हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट खमन ढोकला। तो सबसे पहले हमें 1 कप बेसन लेना है और फिर उसमें हम ऐड करेंगे 1 कप ऑफ कर्ड। ये ज़्यादा खट्टा कर्ड नहीं है। और फिर 1 कप हम वाटर ऐड करेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इसमें हमने 2 चम्मच सूजी ऐड किया है। अब इसमें हमें ग्रीन चिल्ली और कोरिएंडर एंड जिंजर का जो कुटा हुआ पेस्ट ऐड करना है, क्रश किया है हमने, पेस्ट नहीं बनाना है। थोड़ा सा मुंह में आता है तो बहुत टेस्टी लगता है। मिक्सचर का जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी रहनी चाहिए। इसके बाद हमने हाफ पैकेट इसमें इनो ऐड कर लिया है। अब इसको मिक्स करें। जैसे इनो ऐड करेंगे ये फ्लफ़ी सा हो जाएगा, डबल साइज़ में हो जाएगा। अब इसको हम कोई भी शेप के कंटेनर में ले सकते हैं, ढोकला के शेप में भी ले सकते हैं। हमारे पास इडली का था तो हमने इडली वाला ले लिया। सारे में से फिल कर लें। अब इसको स्टीम कर लेना है हमें। 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे, आपका ढोकला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब इसके लिए हमें तड़का के लिए प्रिपरेशन करनी है। ये सारे जो इडली के शेप में हैं उसको हमने निकाल लिया था। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। अब इसको पीसेस में कट कर लें, आपकी चॉइस है कितना बड़े पीसेस आपको पसंद है। अब तड़के में हमने राई, जीरा और उड़द दाल और करी लीव्स लिया है और थोड़ा सा ग्रीन चिलीज ऐड कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा ऐड करना है कोकोनट ग्रेट किया हुआ और फिर जो खमन हमने बना के रखे हैं ढोकले उसको ऐड कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर ले इसको। सॉल्ट आप अपने से मैनेज कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, मुझे कम लग रहा था। तो अब इसमें हमने शुगर का एक घोल बनाया था उसको ऐड किया है, जिसमें 1/2 चम्मच हमने शुगर लिया है और 2 चम्मच वाटर में हमने ऐड करके उसका मिक्स किया था। अब लास्ट में कोरिएंडर से गार्निश करें और ये हमारा खमन ढोकला बिल्कुल तैयार है। अब इसको सर्व कर लें। ये देखें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है गाइस, बिल्कुल ट्राई करिएगा घर में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। दिख रहा है ना यम्मी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।